सो गाइस, आज हमारे पास एक और ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है नॉइस कलरफिट विजन 2 बस। 3500 रुपए के प्राइस पॉइंट में इसे लॉन्च किया गया है। फ्यूचर में लगभग आपको ये 4000 रुपए की वॉच मिलने वाली है। बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिल रहा है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनिए। अगर आप इसे स्किप कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप मिस करने वाले हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। बॉक्स के ऊपर में नॉइस कलरफिट विजन 2 बज लिखा हुआ है। बैक साइड में दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे, जैसे 1.78 AMOLED टच डिस्प्ले, 360x440 पिक्सल रेजोल्यूशन, ब्लूटूथ कॉलिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कॉल्स एंड SMS क्विक रिप्लाई, 100 स्पोर्ट्स मोड, अप टू 5 डे बैटरी लाइफ, कस्टम बॉस फेसेस मिल जाएंगे, 24x7 हार्ट रेट मॉनिटर। अनबॉक्स कर लेते हैं बॉक्स को। दोस्तों पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। यहां पे एक पेपर लगा रखा है, वो मैं हटा के दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच रखे हुए, वॉच को थोड़ा साइड कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या मिल जाता है। चार्जिंग केबल मिल जाता है। केबल की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों काफी बढ़िया है और काफी डिस्टेंस मिल जाएगा इस केबल में आपको। और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक तो आपको यूजर मैनुअल मिल जाए, एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और नॉइस की तरफ से कुछ स्टिकर भी इन्होंने दे रखे। अब बात कर लेते हैं बॉच की बिल्ड और डिजाइन की। तो डिजाइन मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है इसका, और दोस्तों अगर आप हाथ में पहन के रख रहे हो तो काफी अच्छा लुक देने वाली। और दोस्तों लाइट वेट भी काफी ज्यादा है, अगर आप स्लीप ट्रैकिंग के लिए रात में पहन के सो रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डायल फुली मेटल से बनाया, मल्टी फंक्शन बटन दोस्तों इन्होंने मेटल से बनाया, बैक साइड में इन्होंने प्लास्टिक का यूज किया, सारे सेंसर यहां पे मिलेंगे और दोस्तों चार्जिंग पॉइंट इधर साइड आपको मिल जाते हैं। यहां पे दोस्तों इन्होंने माइक्रोफोन लगाया और यहां पे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। स्ट्रैप की बात करूं तो दोस्तों सिलिकॉन स्ट्रैप आपको इसमें मिल जाएंगे और काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज कर रहे हो तो आपके हाथ में रैशेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। काफी सॉफ्ट स्ट्रैप इस साइड भी आपको देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले दोस्तों काफी स्मूथ इसमें आपको मिल जाएगा, अगर आप धूप वगैरह में से यूज करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें दोस्तों 360x448 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ इसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगा और दोस्तों 1.78 AMOLED डिस्प्ले भी आपको मिल रहा है। तो बेकअप एंड राइज काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। फीचर एंड यूआई के बारे में बात करें, अगर आप स्क्रीन पे होल्ड करके रख रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे 3 कस्टम वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप इधर से स्वैप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर दिख जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर दिख जाता है, यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटर दिख जाएगा और दोस्तों स्ट्रेस मॉनिटर भी इधर ही आपको देखने को मिलता है और दोस्तों यहाँ पे सारा एक्टिविटी डेटा शो हो जाएगा। अगर आप ऊपर से स्वैप कर रहे हो तो नोटिफिकेशन सेक्शन इधर आपको देखने को मिलता है। स्वैप अप कर रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको फाइंड फोन का ऑप्शन मिल जाएगा। वॉच को साइलेंट कर सकते हो, ब्राइटनेस दोस्तों बढ़ा सकते हो यहां से और आपको डू नॉट डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है और आपको मिल जाएगा दोस्तों सेटिंग। सेटिंग में दोस्तों सबसे पहले आपको रिस्ट अबोक, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डू नॉट डिस्टर्ब, रिंग वाइब्रेशन। अगर आप रिंग वाइब्रेशन में जा रहे हो तो दोस्तों वाइब्रेशन को आप यहां से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो और आपको मिल जाएगा साइलेंट मोड। मेन्यू व्यू मिल जाता है, अगर आप मेन्यू व्यू में जा रहे हो तो दोस्तों आप अपने मेन्यू को ग्रिड में और लिस्ट व्यू में यहां से चेंज कर सकते हो। स्पोर्ट डिटेक्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाता है, अबाउट कॉल्स, डिवाइस इन्फो, QR कोड, रिवॉर्ड, पावर ऑफ और रीशेयर। मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस कर रहे हो तो मेन्यू कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है नॉइस हेल्थ, अगर आप नॉइस हेल्थ में जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको एक्टिविटी दिख जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर दिख जाएगा, स्लीप मॉनिटर, ब्रीथ और स्ट्रेस। अगर आप नॉइस बज में जा रहे हो तो यहां पे आपको कॉन्टेक्ट, कॉल हिस्ट्री और डायलर पैड कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। और दोस्तों आपको मिल जाता है क्लॉक मिल जाएगा, अगर आप क्लॉक में जा रहे हो तो अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर, स्टॉप वॉच, बल्ड क्लॉक, वर्कआउट्स, अगर आप वर्कआउट्स में जा रहे हो तो सारे स्पोर्ट्स मोड इधर आप चेकआउट कर सकते हैं और आपको स्पोर्ट्स रिकॉर्ड मिल जाएगा, रिमाइंडर, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर और दोस्तों वॉच फेसेस मिल जाते हैं, स्टॉक्स, फ्लैशलाइट, फ्लैशलाइट में जा रहे हो तो दोस्तों फ्लैशलाइट कुछ इस तरीके से वर्क करने वाली है, मिल जाएगा इसमें सेटिंग।
अगर आप वॉच को सेक कर रहे हैं तो दोस्तों कैमरा कंट्रोल काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, म्यूजिक कंट्रोल भी दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, देख पा रहे होंगे आप। और दोस्तों यहां से आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो और वॉल्यूम को दोस्तों इंक्रीज भी आप कर सकते हो। इस फिट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऐप की यूआई कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी, जहां पे दोस्तों सबसे पहले हेल्थ ओवरव्यू मिल जाएगा, जहां पे आपको स्टेप्स काउंट, डिस्टेंस, कैलोरीज, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, स्ट्रेस वगैरह दिख जाए। अगर आप माई डिवाइस में जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले बैटरी शो हो जाएगा, अभी आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, वॉच फेसेस मिल जाते हैं। अगर आप वॉच फेसेस में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से कस्टम वॉच फेसेस आप चेकआउट कर सकते हो और दोस्तों आप अपनी पिक्चर भी इधर ही से लगा सकते हो। नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलेगा, कॉल अलर्ट, हेल्थ मॉनिटर, माय अलार्म, गूगल फिट, माय कॉन्टैक्ट, क्विक रिप्लाई, वेदर सेटिंग मिल जाएगा, स्टॉक्स, वर्ल्ड क्लॉक, फाइंड माय डिवाइस, कैमरा कंट्रोल मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन मिल जाएगा, डिवाइस सेटिंग मिल जाता है। ऐप दोस्तों काफी यूजफुल मुझे लगा है। लुक वाइज दोस्तों वॉच मैं काफी अच्छी कहूंगा, मेटलिक फिनिश के साथ मिलेगी दोस्तों, तब भी इसका काफी लाइट वेट है। अगर आप स्लीप ट्रैकिंग के लिए रात में पहन के सो रहे तो आपको कोई भी इशू नहीं आने। तो प्रॉपर डिस्प्ले आपको दिखाई देने वाला, जहां से आप अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, क्विक रिप्लाई करने का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है और दोस्तों आपको मिल जाएगा म्यूट करने का ऑप्शन। तो रिसीव करने के बाद आपको दिख जाता है वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन और दोस्तों डिस्कनेक्ट कर सकते हो, यहां से दोस्तों म्यूट कर सकते हो अपनी कॉल को और दोस्तों ऊपर की साइड आपको मिल जाता है ट्रांसफर करने का। अगर आप कॉल को ट्रांसफर करना चाहते हो अपने फोन पे तो यहां से आप कर सकते हो। ब्लूटूथ कॉलिंग का दोस्तों एक टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसके माइक्रोफोन स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। लग गया, उठा लेना फोन। हेलो, हाँ क्या कर रहे हो भाई बहन? अरे जो भी हो तुम भाई बहन, क्या कर रहे हो बताओ। मैं कुछ नहीं। अच्छा थोड़ी हेल्प करो यार मेरी, करोगे? थोड़ा काम था मुझे इसलिए कॉल किया था। मैंने एक वॉच परचेस किया यार, नॉइस कलरफिट विजन 2 बज, ठीक है उसी से मैं कॉलिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है तो ये बताओ आवाज किस तरीके से आ रही है आपके पास? ठीक तो बढ़िया। हमारे व्यूअर को बताओ कि आवाज किस तरीके से आ रही है, अगर ये वॉच वो परचेज कर रहे हैं ना तो करना चाहिए कॉलिंग के लिए या नहीं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है वॉइस? हाँ सही है। अच्छा, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? अच्छा कॉलिंग के लिए मतलब परफेक्ट वॉच बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं, परफेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कॉलिंग के लिए चल जाएगा। क्या मतलब क्या इशू है, इशू क्या है, मतलब परफेक्ट क्यों नहीं बोल सकते, इशू क्या है ये बताओ। इशू थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ना, हल्का सा, तो मैं अगर इस वॉच को देना चाहूंगी तो 5 out of 4 देना चाहूंगी कॉलिंग के लिए। कॉलिंग के लिए? हाँ कॉलिंग के लिए। अच्छा, ओके चलो हेल्प करने के लिए थैंक यू है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एक्यूरेसी की। इसे जिम वगैरह में भी मैंने यूज किया था, ट्रेडमिल पे लगभग 100 स्टेप्स मैंने रनिंग किया तो इसने लगभग 75 काउंट करके बताया था वन टाइम में। जब मैंने दूसरी बार काउंट किया तो दोस्तों 100 से ऊपर भी हो गया था, एक दो स्टेप्स ऊपर हुआ था लेकिन काफी ज्यादा एक्यूरेट था। हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर का रियल टाइम में आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की बात करूं तो दोस्तों मेरी वॉच में 75 बीट्स पर मिनट दिख रहा है। यहां पे दोस्तों एक मैंने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर लगा रखा है, वहां पे 73 दिख रहा है, अभी 75 हो चुका है तो दोस्तों काफी क्लोज रीडिंग इसने दिखाई है। ऑक्सीजन मॉनिटर भी दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरी वॉच में 97 और दोस्तों यहां पे प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में भी 97 दिख रहा है। तो इस पे दोस्तों जब मैंने इसे रख के देखा तो इसने यहां पे एरर शो कर दिया है, तो एक्यूरेसी में काफी ठीक ठाक ये वॉच मुझे लगी है। अब बात आती है दोस्तों 3500 रुपए के प्राइस पॉइंट में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इसके एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और दोस्तों डिस्प्ले मुझे काफी पसंद आया है। इसे दोस्तों मैंने धूप वगैरह में भी यूज किया था, वहां पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, ब्राइटनेस काफी अच्छी मिल जाती है और दोस्तों डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ है। बेकअप एंड राइज दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो दोस्तों कुछ
फीचर इसमें मुझे मिसिंग लगे, जैसे गेम्स वगैरह नहीं मिलेंगे और दोस्तों ना ही इसमें आपको कैलकुलेटर देखने को मिलता है। यही था दोस्तों हमारी नॉइस कलरफिट विजन 2 बज का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या जेन्युइन लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपका 100% रिप्लाई देने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।